रायपुर एक शांत गांव था जो सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। एक दिन सब कुछ बदल गया। रात में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी, वे भयानक और अप्राकृतिक थीं। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पहले तो इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ हवा होगी, लेकिन आवाजें बनी रहीं, हर रात तेज होती गईं। रायपुर के दिल में डर रेंगने लगा। गांव के बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने लंबी उम्र जी थी, कई मौसम बीतते देखे थे, लेकिन ये आवाजें नई थीं। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। यह क्या हो सकता है? बूढ़े बंसी ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये आवाजें, ये इस दुनिया की नहीं है। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, माला ने कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। हमारे गांव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डर संक्रामक था। रायपुर की तंग गलियों में जंगल की आग की तरह फैल रहा था। तभी अकल्पनीय हुआ। नदी के किनारे खेलना पसंद करने वाला जवान रोहन गायब हो गया। उसे आखिरी बार सूर्यास्त के समय देखा गया था, जैसे ही भयानक आवाजें शुरू हुई थीं। गांव वालों ने पूरी लगन से खोजबीन की, लेकिन रोहन चला गया था। एक हफ्ते बाद यह छोटी रानी थी जो बेकर की बेटी थी। वह अपने ही आंगन से गायब हो गई, केवल एक खिलौना पीछे छूट गया। डर दहशत में बदल गया। हर गुमशुदगी के साथ गांव के रोने की आवाजें तेज होती गईं। उन्होंने दया के लिए स्वर्ग से प्रार्थना की। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो इस हश्र के लायक थे? गांव के मुखिया सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह बहुत साहसी व्यक्ति थे। वे अपनी बुद्धिमानी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने लोगों की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय भी कांप उठा। उन्होंने गांव की बैठक बुलाई। मेरे भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा, उनकी आवाज शांत भीड़ में गूंज रही थी, हम डर में नहीं जी सकते। उनकी बातों ने ग्रामीणों की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगा दी। सरपंच सही कह रहे हैं, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें मजबूत रहना चाहिए। हमें मदद की जरूरत है, हमारी समझ से परे मदद। उन्होंने जानकी ताई नाम की एक महिला के किस्से सुने थे। जानकी ताई दूर के एक गांव में रहती थी। कहा जाता था कि उन्हें प्राचीन रस्मों और आत्मा की दुनिया का गहरा ज्ञान था। वही उनकी एकमात्र आशा थी। मैं जाकर उनसे मदद मांगूंगा। ग्रामीणों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे, लेकिन उनके दिल इस नई मिली उम्मीद से चिपके हुए थे। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन सरपंच ठाकुर दृढ़ थे। वह आखिरकार जानकी ताई के साधारण घर पहुंचे। उसने उससे मदद की गुहार लगाई। डरो मत, मैं रायपुर आऊंगी। अपनी बात पर खरी उतरते हुए जानकी ताई अगले दिन रायपुर पहुंच गई। वह एक छोटी महिला थी, लेकिन उनकी उपस्थिति से शक्ति और ज्ञान की आभा फैल रही थी। जानकी ताई ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उसने उनसे आवाजों, गुमशुदगी के बारे में पूछा। उसने ध्यान से सुना। उसकी निगाहें तेज और अटूट थीं। यहाँ एक उपस्थिति है, एक आत्मा, परेशान और प्रतिशोधी। ग्रामीण हांफने लगे। उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया। लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? जानकी ताई ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया। हम पता लगाएंगे और हम उसे शांति पाने में मदद करेंगे। उसने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसकी आवाज झींगुरों की चहचहाहट के साथ गूंज रही थी। उसने अगरबत्ती जलाई। उनकी सुगंध से हवा भर गई। ग्रामीण विस्मय से देखते रहे। उन्होंने इस तरह के अनुष्ठानों के बारे में सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। जानकी ताई एक ऐसी शोभा के साथ चली जो उनकी उम्र को झुठला रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, उनका चेहरा शांत था। घंटे बीत गए। वे आवाजें जो उन्हें परेशान करती थीं, अनुपस्थित थीं। उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। ग्रामीणों ने अपनी सांस रोक रखी थी। हवा में उम्मीद की सांसें अटकी हुई थीं। जैसे ही रात हुई, जानकी ताई ने अपना काम शुरू कर दिया। अचानक सन्नाटा टूट गया, भयानक आवाजों से नहीं बल्कि एक आवाज से। धीरे से, दुख से भरी हुई ये आत्मा थी, एक औरत, अपने जीवन में अन्याय हुई और मृत्यु में प्रतिशोध की तलाश में। वह कई साल पहले रायपुर में रहती थी। उस पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया गया था। अपने घर से खदेड़ दिए जाने पर वह नदी के किनारे एकाकी मौत मर गई। उसकी आत्मा बनी रही न्याय की तलाश में। ग्रामीणों ने सुना, उनके दिल अपराध बोध और उदासी से भरे हुए थे। वे उसकी कहानी नहीं जानते थे, लेकिन वे उसके दर्द को समझते थे। उन पर भी डर का राज्य था। जानकी ताई मंत्रों का जाप करती रहीं।
उनकी आवाज आत्मा के क्रोध को शांत कर रही थी। जाप उसने आत्मा से वादा किया कि ग्रामीण उसकी स्मृति का सम्मान करेंगे। उसने आत्मा से उन्हें माफ करने के लिए कहा, शांति पाने के लिए और अपने सांसारिक दर्द से मुक्त होने के लिए। धीरे धीरे आवाज फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक शांति की अनुभूति ने ले ली। भोर की पहली किरणों ने आकाश को रंग दिया क्योंकि जानकी ताई ने अनुष्ठान पूरा कर लिया था। उसने ग्रामीणों की ओर देखा, उसकी आंखें एक कोमल रोशनी से भरी हुई थीं। वह अब शांति में है। ग्रामीणों ने उनके चेहरे राहत और पछतावे से भरे हुए महिला की याद में नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाने का वादा किया। वे उसकी कहानी साझा करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे कभी भुलाया न जाए। आवाजें कभी नहीं लौटी। रायपुर एक बार फिर बच्चों की हंसी और पत्तों की सरसराहट से भर गया। ग्रामीणों ने अपने डर का सामना किया था और अपने साझा अनुभव में एकता पाई थी। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने महसूस किया कि भय को समझ और करुणा से दूर किया जा सकता है।